इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पेटीएम पर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बट वहाँ पर आपको आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग में रहती है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, घबराने वाली बात है इसमें कि अगर आप किसी और को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अर्जेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो नहीं जा पाते हैं तो आपको एक और अमाउंट सेंड करना पड़ता है। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि पुराना वाला अमाउंट भी यहाँ पर चला जाता है, तो सिचुएशन में बहुत भारी भारी जो है कंडीशंस हो जाती हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए अगर आपका एक ही ट्रांजेक्शन होता है और वो भी पेंडिंग में दिखाता है। देखिए, यूपीआई से जहाँ तक मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि 99% जो है अगर एक दफ़ा आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग दिखा देता है या हो नहीं पाता है तो वो हो ही नहीं पाता है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है थोड़ी देर बाद और बहुत रेयर केसों में जो है वो जाता है। अब यहाँ पर आप इतना भी मत घबराइए कि किसी के पास पहुँच गए तो आप उसे दोबारा सेंड कर दीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब दोबारा चला जाएगा तो वो जो पेंडिंग आपका 5-10 मिनट का लगा हुआ होना चाहिए कम से कम, कि मतलब हाथों हाथ का लगा और बिल्कुल हाथों हाथ का ही आपने जो है सेंड कर दिया, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीचों बीच। एंड यहाँ पर ये एरर हमें देखने के लिए भी मिल रहा है, योर पेमेंट हैज़ बीन बाय बैंक, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द बैंक इंक्वायरी इफ़ योर मनी हैज़ बीन डिटेक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, बैंक विल बी इन्फॉर्म योर विल बी रिफंड एंड द सेम। तो यहाँ पर ये जो पेंडिंग वाला इशू है ये हमें रिफंड मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई कोई पेमेंट बहुत बहुत दिन तक भी ऐसे रह जाती है, तो ये इसका इशू रहता है। बाकी यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।